हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, कार है, गाड़ी है, जो भी है, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको रास्ते में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं और कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हम कैसे ऑनलाइन घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हैं खुद से, या दोस्तों अपने मोबाइल से, लैपटॉप से। कंप्यूटर सिस्टम है नहीं है, फ़ोन से बनाइए, सिस्टम है तो उस पर बनाइए। क्या वेबसाइट है, कैसे बनाते हैं, हमारी वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए कैसे बनाते हैं और खुद से बनाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईशान और स्वागत करता हूँ आपका डिजी क्लास चैनल में। हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, आपको जो भी ब्राउज़र होगा उसे आप ओपन कर लीजिएगा। इसे आप कहीं भी खोल सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, या अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो ठीक है, नहीं है तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी जो ब्राउज़र है वहाँ खोल के आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको प्रोसेस, और यहाँ पर टाइप कीजिएगा आप। हम टाइप करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ओके कीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस पे आने के बाद ये जो देख रहे हैं आप, सारथी सर्विसेज, इस पे आना है आपको। ये देख रहे हैं मेरा माउस, और यहाँ पे क्लिक करना है आप। चलिए हम क्लिक किए, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। सारथी का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं ऑनलाइन सर्विसेज इन आवर पोर्टल आर अवेलेबल ओनली फॉर द स्टेट लिस्टेड हेयर। जो भी यहाँ पर लिस्ट होगा स्टेट का नाम, वही यहाँ पर अप्लाई होगा। यानी इंडिया में आप हर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट फ्रॉम वेयर द सर्विसेज इज टू बी टेकन। आप कहाँ लेना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं। आपको जो भी स्टेट होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अपना सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ऑनलाइन अप्लाई, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट बुकिंग, फी पेमेंट, मॉडिफाई एप्लीकेशन, कैंसिल अपॉइंटमेंट, बहुत सारे हैं। तो हमको पहले आना है अप्लाई ऑनलाइन में। ये जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे में तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे। न्यू लर्नर्स लाइसेंस, अगर आपको बिल्कुल नया बनाना है तो आपको पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और आप पर लर्निंग लाइसेंस है तब आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर है वो मांगते हैं। चलिए इसको हम पहले आपको दिखाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पे आइएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू। चलिए आपको दिखा देते हैं ये वाला, देखिए यहाँ पर जैसे आएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको क्या मांग रहा है यहाँ पर, लर्नर्स लाइसेंस नंबर। आपको जो भी लर्निंग लाइसेंस नंबर जो आपको जनरेट हुआ होगा, आपको जो मिला होगा, यहाँ पर डालिए और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए और ओके कीजिए। आपको जो पूरा डिटेल है वो आ जाएगा, इस तरह आप उसको नया लाइसेंस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पीछे आते हैं, हमको नया बनाना है तो यहाँ पर देखिए न्यू ड्राइविंग लाइसेंस हमको नहीं करना है, हमको लर्निंग बनाना है नया में। लर्निंग के बाद हम तब न्यू बनाएंगे, पहले हम लर्निंग के लिए अप्लाई करते हैं। और लर्निंग बनने के 30 दिन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम लर्निंग के लिए देखते हैं। लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रहा है। फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन एप्लीकेशन सबमिशन इन इशूइंग लर्नर्स लाइसेंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपके पास ये होना चाहिए, फिल एप्लीकेंट डिटेल्स, आपको ये भरना पड़ेगा पूरा, जो भी आपका नाम है, फादर नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारा डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा जो भी है वहाँ पर। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा जो भी मांगेगा। देखते हैं हम आगे क्या क्या मांगता है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आपको जो फोटो और सिग्नेचर होगा उसे आप तैयार रखिएगा। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग, उसके बाद आपको जो
टेस्ट देने जाना पड़ेगा, उसे आप बुक करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट और फी, उसके बाद फी के लिए पेमेंट करना है। चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू, और देखते हैं आगे कैसे भरते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर आर यू डिप्लोमेट, फॉरनर है, रिपेट्रेट है, रिफ्यूजी है, फॉरनर्स बट नॉट डिप्लोमेट्स, एक सर्विसमैन, फिजिकल चैलेंज, देन प्लीज सिलेक्ट द कैटेगरी। अगर आप कुछ भी हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी को, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर तीन तीन पॉइंट दिखा रहा है, अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस। अगर पास कुछ भी नहीं है तो आपको ये अप्लाई कीजिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसमें आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लर्नर्स लाइसेंस है तो यहाँ से डालिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। हमको नया बनाना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट पॉलिसी क्या हुआ है। चलिए हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए तो मेरे सामने पूरा जो है डिटेल जो भरना है वो पूरा एप्लीकेंट्स का वो पेज खुल के आ गया। यहाँ से आप भरिए। चलिए हम अपना भरते हैं, मेरा तो बना हुआ है, बहुत पहले बनाया था। चलिए हम फिर भी आपको दिखाते हैं, जो भी आपका स्टेट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ दिखा रहा है, टू नाउ योर RTO ऑफिस, इंटर द पिन कोड ऑफ एप्लीकेंट्स प्रेजेंट एड्रेस हेयर। अगर आपको RTO ऑफिस पता नहीं है कहाँ है तो यहाँ पर पिन कोड डालिए और पता कीजिए, क्योंकि अभी ये जो है सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, पिन कोड डालने के बाद आपको पता नहीं चलेगा। अभी ये मैप नहीं किया है इसमें, ये सर्च नहीं कर पाता है। चलिए हम यहाँ से सर्च करते हैं, मिल जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये। आपका स्टेट में कहाँ पर वो पता होना ही चाहिए आपको, आपको डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका डिजेबल हो जाएगा पिन कोड। तो एप्लीकेंट नेम, चलिए मेरे तो बना हुआ है, तो फिर भी हम आपको एक आपको जो भी नाम होगा उसे आप डाल लीजिएगा। चलिए हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं, रमेश लास्ट नेम कुमार। आपको यहाँ पर वो नाम डालना है जो भी आपको गार्जियन है, रिलेशन है, जो भी है आपको जिससे क्या रिलेशन है वो नाम डालना है। यदि जैसे आपका फादर है तो यहाँ पर फादर डालिए और उसका नाम डालिए, मदर है तो ये चूज कीजिए और उसका नाम डालिए, या कोई फीमेल है वो डाल रही है तो वहाँ पर डालिए, या हस्बैंड सेलेक्ट कीजिए, या अगर कोई भी नहीं है तो कोई जो गार्जियन होगा ही ये सेलेक्ट कीजिए और नाम डालिए। चलिए हम डालते हैं फादर, यहाँ का हम डालते हैं, मान लीजिए जो भी आपका फादर का नाम होगा आप डालिए, सुरेश कुमार। चलिए हम डालते हैं, सही। आधार नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। चलिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, NPR नंबर भी छोड़ देते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं रेड, ये स्टार मार्क रेड में, ये मैंडेटरी है, एकदम कंपल्सरी डालना ही डालना, वरना ये सबमिट लेगा ही नहीं। और जो ये सब देख रहे हैं नहीं है तो ये ले लेगा। अगर आधार नंबर है तो डाल दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाद में आपको जोड़ना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जेंडर क्या है अपना सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है आपको, क्योंकि आगे आपको डॉक्यूमेंट में देना पड़ेगा एज ए प्रूफ कि आपको डेट ऑफ बर्थ है और आप 10th किए हैं, पढ़ाई किए हैं, दीजिए, वरना आप कोर्ट से अप्रूव करा के देना पड़ेगा आपको। चलिए हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए 13 अप्रैल 88 सेलेक्ट कर लिए हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको जो होगा वो सेम सेम भर लीजिएगा आप। यहाँ ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर मेरा डिटेक्ट कर लिया, 30 साल, प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ किए हैं, चलिए हम दे देते हैं जहाँ भी आप पैदा हुए हैं, जिला का नाम दीजिए, अच्छा रहेगा, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो दीजिए। यहाँ देखिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो
यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, ग्रेजुएट इन नॉन मेडिकल साइंस और ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस। तो अगर मेडिकल साइंस से नहीं है सारा इसमें आ जाएगा आपको, जो भी है बीए बीकॉम बीएससी जो भी किए हैं। चलिए हम सेट किए, जो भी आपका है वहाँ सेट कर लीजिएगा आप। ब्लड ग्रुप क्या है आपका, चलिए जो आपका है दे दीजिएगा। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, फ़ोन नंबर यहाँ पर कंपलसरी क्योंकि उसको ओटीपी आएगा। चलिए दे दीजिए आपको फ़ोन नंबर, और इमरजेंसी मोबाइल नंबर कोई है वो भी दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स वन मार्क्स टू ये देना जरूरी है, हालांकि इसमें स्टार मार्क्स नहीं है, दे दीजिए अच्छा रहेगा आपको। चलिए हमें छोड़ देते हैं। जो भी आपका पहचान है, कहीं दाग है कहीं अगर कुछ भी है ऐसा कि आपको पहचान में आसानी हो तो वो दे दीजिए आप। प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दोनों भरना है आप। झारखंड दूंगा जैसे मेरा अपना पहले से दिया हुआ है, जो भी स्टेट है और जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ब्लॉक अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए, जो ब्लॉक है आपका उसके अनुसार विलेज है कि टाउन है, जो भी है आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए आप जो लिखना चाहते हैं, और पिन कोड यहाँ पे कंपलसरी है, देखिए यहाँ स्टार मार्क है रेड कलर का, यहाँ पर दे दीजिए। और आप यहाँ पर दिखा रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, आप इस प्रेजेंट एड्रेस पे कितने दिन से रह रहे हैं। चलिए दे दीजिए जो आप रह रहे हैं जितने साल जितने महीने से। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस सेम उसी से भर लीजिए, और आप का जो प्रेजेंट एड्रेस है सेम है तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं चेकबॉक्स, यहाँ क्लिक कीजिए ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, नहीं है तो अपने साथ खुद मैनुअली भर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स आपका किस तरह का चाहते हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गियर मैंने गियर वाला चलाते हैं उसका लाइसेंस, मोटरसाइकिल विथ गियर LMB, ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर देखिए जो भी आप चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सजेस्ट करूंगा कि ये लीजिए 3 नंबर वाला LMB NT LMB, क्योंकि इसमें क्या है कि लाइट मोटर व्हीकल इसमें आपको दोनों आ जाएगा, यानी आप बाइक भी चला सकते हैं और जो फोर व्हीलर है कार वगैरह वो भी चला सकते हैं, इसमें आपको एक ही वाला लेना पड़ेगा। या आप एक से ज़्यादा चाहते हैं तो मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट किए एक, उसके बाद कंट्रोल प्रेस को कीजिए, उसको दबाए रखिए और दूसरा सेलेक्ट कीजिए, ऐसे हो गया। आपको जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कर लीजिए, और ये देख रहे हैं आप ये एरो के ऊपर वाला यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो जो आप सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर चाहते हैं आपको हटाने के लिए तो उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ देख रहे हैं नीचे वाला ऑप्शन उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप आपको जो भी लेना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यही लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए पढ़िए, आई हैव बिन कन्विक्टेड डिस्क्वालीफाइड, माई लाइसेंस वॉज कैंसिल्ड सस्पेंड, माई लाइसेंस वॉज रिवोक्ड, प्लीज टेक इफ यस। अगर आपको कभी लाइसेंस सस्पेंड हुआ है या कुछ हुआ है तो यहाँ पर कीजिए, नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए। इफ़ द एप्लीकांट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल्स, क्या आप पहले से ड्राइविंग स्कूल में ट्रेंड हैं तो यहाँ पर टिक कीजिए। चलिए हम नहीं हैं, यहाँ देखिए डिक्लेरेशन है पढ़ लीजिए क्या है। आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गेन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर आपका खुदा ना करे ऐसा हो कि अगर एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाता है तो आप अपना ऑर्गेन्स को शरीर के किसी भाग को डोनेट करना चाहते हैं प्लीज टिक इफ विलिंग, यहाँ टिक की जगह देना चाहते हैं तो, नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो आर ट्रू, यस। ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट यस रहेगा, ये यस करना भी है आपको। मेरे द्वारा ऊपर जितना भी जानकारी दी गई वो सारा कुछ मेरे नॉलेज में सही है, मैं इसे सत्यापित करता हूँ, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद सब कुछ चेक कर लीजिए आप जो भरे हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं है, गलत तो नहीं है, कुछ गलती नहीं हो जाए।
सब कुछ चेक करने के बाद आप नीचे आइए और यहाँ देख रहे हैं सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको ऑप्शन आएगा ऊपर में, देखिए दिखा रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डेटा, पूछेगा आपसे एक बार फिर फाइनल, यस मेरा सब कुछ सही है तो हम ओके करते हैं। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा देखिए आपके सामने इस तरह का पूरा जो आपने सबमिट किया पूरा सबमिट होकर आपके सामने एक पेज बन के आ जाएगा। देखिए ये राइट साइड में आपको पूरा आ जाएगा, आरटीओ लोकेशन कहाँ है, ऑफिस उसका, आपको एप्लीकेंट एड्रेस क्या है, और यहाँ पर सर आपको नंबर वगैरह सर आ जाएगा, आपको नंबर क्या है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ब्लड ग्रुप, एप्लीकेंट जेंडर, सारा इस तरह से बन के आ जाएगा। आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये नंबर रखना है, और आपको देख रहे हैं यहाँ देखकर एन एसएमएस हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल, आपके इस नंबर पर भेज दिया गया है मैसेज। आप अपना देख लीजिए सब कुछ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एप्लीकेंट फॉर्म प्री फिल्ड प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नेक्स्ट एग्जिट, तो इसको आपको रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देखिए यहाँ मेरा ये फॉर्म सेव हो चुका है, देखिए यहाँ मेरा सारा, मैं बताऊंगा आगे आपको ये फॉर्म कहाँ काम आने वाला है। समझ, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसे भी आप सेव कर लीजिए, ये आपका है। इसे यहाँ से आप सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, इसे हम सेव कर लिए। अभी क्या दोस्तों, इंडिया में अभी सारे स्टेट में ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट स्कैन या फी पेमेंट ये सारा सुविधा भी नहीं दिया गया है आपको। यहाँ तक करने के बाद आपको अपना फॉर्म लेकर जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक किए, मेरा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ चुका है, और यहाँ सबमिट पे दिया है, अभी मेरा सारा डिटेल आ चुका है, यह दिखा रहा है इफ़ एप्लीकेशन इज सबमिटेड एट अदर पोर्टल्स लाइक सारथी डॉट इट, यह अलग चीज़ें प्रिंट यहाँ पर कर सकते, प्रिंट प्रिंट फॉर्म और एप्लीकेशन कैंसिलेशन फॉर्म सारा कुछ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि तो आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए यहाँ दिखा रहा है मेरा फिल एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स मेरा डन बाय द एप्लीकेंट मेरे द्वारा किया जाएगा, और हम अपलोड करना चाहते हैं हमको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, फिर देखते हैं, अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं होगा तो हमको हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस, सारा कुछ वहाँ फिलअप करना पड़ेगा, फिर देखते हैं, अगर होगा तो हम इसे ऑनलाइन कर देंगे, आपका होगा तो वहीं से ऑनलाइन कर लीजिएगा। ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड पर आए, नहीं देखिए ये मेरा सारा एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, सारा नाम वगैरह सारा आ गया, ओके किए तो ये देखिए मेरा सामने ये पेज खुल के आ गया। हम अब यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, ये ऑप्शन मेरा यहाँ पर दिया गया है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है चलिए हम देखते हैं। अब एलॉयड फाइल टाइप्स JPEG JPG PDF एंड मैक्सिमम फाइल साइज 300 KB, 300 KB से ज़्यादा बड़ा कोई फाइल नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सेट करना है एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फॉर्म वन सेल्फ डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, इशू ऑथराइजेशन और इशू डेट सर्च करके आपको एड्रेस फाइल करके अपलोड कर देना है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके और डालते हैं। चलिए अब हम अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, आप इस तरह से अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट पे आए, पहले हम सेट करते हैं एज प्रूफ, प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं,
स्कूल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नंबर कुछ है दीजिए नंबर, चलिए हम डालते हैं 10 इशू ऑथराइज डिजिग्नेशन डेट चलिए हम कुछ जो भी आपको हो उसे आप डाल लीजिए, कब इशू हुआ था पर डॉक्यूमेंट, उसके बाद चूज फाइल एज प्रूफ ओपन और ये अपलोड, स्टेटस दिखा रहा है मेरा अपलोडेड, ये मेरा अपलोड हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप इसको हम कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ देखना चाहते हैं देख सकते हैं, चलिए हम कंफर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ क्या चाहते हैं आप, वोटर आईडी, आधार, लाइसेंस, कुछ भी जो देना चाहते हैं। चलिए हम देते हैं, मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आपका है आप दे सकते हैं। डेट दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए नया हम देना चाहते हैं करंट का 17 का बिल देना चाहते हैं। चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, फिर चलिए हम अपलोड करते हैं। तो ये मेरा ले लिया है अपलोडेड, अब इसे हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो मेरा एज प्रूफ आ चुका है, अब वो धीरे धीरे आ जाएगा। हम नेक्स्ट पे आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, जो मैंने सेल्फ से डिक्लेरेशन किया है। डेट उसका, चलिए जैसे मैं आज अप्लाई किया हूँ जुलाई में, आज है हो गया आपका जाके 22 तारीख है, सॉरी 21 तारीख है, तो मैंने एक दिन पहले के दे दे रहा हूँ, मैं पहले करके रखा था। चूज फाइल सेल्फ डिक्लेरेशन और ये ओपन, ये अपलोड अपलोडेड और कंफर्म। आप चाहते हैं व्यू भी दे सकते हैं, चलिए मेरा देखिए आप देख रहे हैं जो मैंने जो जो मैं अपलोड किया था एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन, जो मैंने क्या क्या दिया है प्रूफ में देख लीजिए। और ये मैंने अगर अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, डेट भी ज़रूरी नहीं दे सकते हैं, मेरा सारा सेव हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा जो मेरा डिटेल्स था वो भर दिया, उसके बाद जो मेरा डॉक्यूमेंट था वो मैंने भर दिया, अब मैं नेक्स्ट आता हूँ। इस तरह से आप भरते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये देखिए इस तरह का आएगा आपको, मेरा देखिए दिखा रहा है यहाँ पर एप्लीकेंट्स डिटेल्स फुल है, कंप्लीट है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कब किया है मैंने डेट भी दिखा रहा है। इससे मेरा अपलोड डॉक्यूमेंट पूरा हो चुका है और एप्लीकेंट डिटेल्स पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, चलिए इस पर आते हैं। अब हमसे मांग रहा है एप्लीकेंट्स नंबर, टाइप कर दिए और जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो डालिए, गेट डिटेल्स में आइए, इनवैलिड डेट फॉर्मेट शुड बी, चलिए अब यहाँ से ब्राउज करते हैं अपने फ़ोटो को और डालते हैं इसमें, इमेज को सिलेक्ट की और ये ओपन और सिग्नेचर
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, कैसे कैसे करना है, फोटो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना हाइट, कितना विड्थ, कितना इंच, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। कितना केबी होना चाहिए, 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। चलिए देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है। अपलोड एंड व्यू फाइल्स, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स, इसमें हम क्लिक करके जैसे किए तो मेरा देखिए यहाँ पर अपलोड ले लिया फोटो सिग्नेचर। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किए हम तो ये हमें दिखा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड, सारा कुछ मेरा यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ बोल दिया ट्रांजैक्शन नेम ये है और स्क्रूटनी मेरा डॉक्यूमेंट चला गया वेरिफिकेशन में, काउंटर DTO का काउंटर नंबर 1 पे मेरे स्टेटस है करेंट का, ये दिखा रहा है। एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल, देखिए मेरा जो है वो चला गया प्रोसेसिंग। अब हमको क्या करना फी पेमेंट, सब होने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट पे आइए और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ डालिए, ये क्लिक कर दें। ई पेमेंट इज नॉट अलाउड फॉर दिस RTO, प्लीज विजिट RTO URL। यहाँ पर क्या दिखा रहा है मुझे कि यहाँ से आप ई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर होम पेज पे ले आया, हम यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्यों? यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे RTO के यहाँ झारखंड में, और आपके वहाँ है तो आप आसानी से पेमेंट कीजिए और आपका सारा प्रोसेस हो गया है। फिर उसके बाद आप वहाँ से पेमेंट करने के बाद आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ आना है, आप पेमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको सारा दिखा दिया कैसे डालना है, अपना सारा डिटेल्स, सिग्नेचर, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट सारा डालने के बाद पेमेंट कर लीजिएगा आप। उसके बाद आपको आना है अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट में, मेरा क्या लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस टेस्ट, अपना नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो डालिए, और जो वेरिफिकेशन कोड आप दिखा रहे हैं यहाँ पर डालिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। सर्विस नॉट इनेबल्ड फॉर दिस RTO, मेरे पास यहाँ पर टेस्ट अपॉइंटमेंट के लिए भी सर्विस ये बुक अवेलेबल नहीं है। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मेरा सारा कुछ अपलोड हो चुका है, तो मुझे फी पेमेंट और स्लॉट बुकिंग यानी टेस्ट बुकिंग के लिए मुझे अब RTO ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो जो मैंने एक्नॉलेजमेंट जो दिखा रहा हूँ आपको ये लोड किया था, और आपको जो ये है अपलोडेशन, इसमें कि आपको सारा लोड हो गया था, अब फोटो सेंसर वगैरह सारा उसको लेके आपको ये फॉर्म लेके आपको जाना पड़ेगा RTO ऑफिस में, और उसके बाद आपका तो पेमेंट लेके आपको टेस्ट बुकिंग करवाएगा, बुक करके डेट देगा, और उसके बाद आपका जो है फाइनल में
आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के रेडी हो जाएगा और आपको फिर मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। उसके बाद फिर आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 दिन के बाद। हर दोस्तों, हमारी वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा हमारी जानकारी आपको। कोई भी दिक्कत हो आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेशन में, आप हमें कमेंट कीजिए। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे खुद से बना सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।